डू दीज डिविजन्स चाक योर रिजल्ट बाई मल्टीप्लीकेशन। डू दीज डिविजन्स, जो ये नीचे सवाल दिए गए हैं इनको हल करो। चाक योर रिजल्ट, जो आपका आंसर निकलेगा उसको चेक करो बाय मल्टीप्लीकेशन। तो क्या वो ये क्वेश्चन पार्ट नंबर ई 678 डिवाइडेड बाय 6 678 डिवाइडेड बाय 6 6 वन इज ऑल 6 7 वालो बोन 6 वन इज ऑल 6 या 7 में करो 6 एट रोज 1 4 के बस 8 वो 18 6 3 इज ऑल 18। फिर हम क्या करेंगे, पक्ष बनाइए चक योर यहाँ पर रिजल्ट इज बाय मल्टीप्लीकेशन। किस तरह हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 और 113 को करेंगे हम लोग सीधा मल्टीप्लीकेशन। 6 3 इज ऑल 18 वन लो कैरी 6 वन इज ऑल 6 कैरी आपको 7 6 वन इज ऑल 6 इन साथ इस चेक करें हमारा आंसर क्या निकलता है 768। इसलिए यूस एस यस को डिवीजन यूस एस यस सवाल डिवीजन और इस सून सवाल सही ताकि तुम पे नहीं पका आंसर छोड़ के यस मस ऑफ रूल मैथमेटिक्स मस रूल। अगर तुम पन आंसर चेक कर क्या आपका सवाल सही है या सही नहीं है तो आप अपने आंसर को इस तरह से चेक कर सकते हो। लेकिन बट इट इज नॉट इन केस ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन में ये अप्लाई नहीं होता है क्योंकि इक्वेशन का रूल अलग है। इक्वेशन में हम यहाँ का जब हम किसी एक अदद को यहाँ लेते हैं तो वो बनता है माइनस, वो तो अलग चैप्टर है। फिलहाल तो हम यहाँ पर करते हैं कंसेप्ट की बात। जब हम डिवीजन का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो इसमें आपको इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन हल करना है। अब रह गया कौन सा पार्ट नंबर एफ 2475 डिवाइडेड बाय 11 पार्ट नंबर एफ पार्ट 2475 डिवाइडेड बाय 11। इसका मतलब क्या है, जब हम कंसेप्ट पर जाते हैं तो इस तरह लिखना है 2475 डिवाइडेड बाय 11। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ 11 इंटू 1 11 11 इंटू 2 क्या सो 22 11 इंटू 3 क्या सो 33 11 इंटू 4 गो 44 क्योंकि आपको 11 का टेबल याद नहीं है। अगर आपको 11 का टेबल याद नहीं है तो आप लोग इस तरह टेबल यहाँ लिख सकते हो, 11 इंटू 1 हो गया 11 11 इंटू 2 हो गया 22 11 इंटू 3 हो गया 23 11 इंटू 4 हो गया 44 11 इंटू 4 को 44 यानी फिलहाल हम यहाँ तक जाएंगे। अब हम आप लोगों को क्या करना है, 11 इंटू 2 यहाँ पर 24 यानी 11 और 33 के बीच में जो बीच में आता है ये रकम यही यहाँ लगन है। ये तो है, इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ डिविजन। 11 टू और 22 4 में से यहाँ क्या निकलेगा 2 4 वर्स 7 बनाओ 27 में नहीं आ सकता है 33 क्या जी ना अथ 33 की तेज 33 से अमे खाया ज्यादा अत लगा लगाओ 22 अत न 4 वर्स 5 11 5 इज आर 55। इसका मतलब जब हम 11 को 225 से करेंगे क्या मल्टीप्लाई तो इसका आंसर निकलेगा 2475। क्यों निकलेगा अगर मैं आपको कहूँगा क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ बचा नहीं है, रिमाइंडर कुछ नहीं है। अगर इसमें कुछ रिमाइंडर नहीं है तो इसका डिवीजन बराबर है।